परमात्मा ने मन दिया है तो हम हो आए आज आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। अच्छा आप में से कितने लोग यहाँ पे जो बैठे हैं सोचते होंगे कि तो सोमनाथ भारती तो पॉलिटिशियन है, वोट के चक्कर में आता होगा यहाँ। कोई नहीं समझता ऐसा, कोई नहीं समझता, ठीक है। तो फिर तो आज मैं भी सवेरे सवेरे कहीं से आ रहा हूं तो मैंने वहां पे ये शब्द कहा कि मेरा माय पेन इज दैट आई एम बीइंग मेजर्ड बाय द यार्डस्टिक्स व्हिच पीपल हैव डेवलप्ड ओवर द इयर्स फॉर अदर पॉलिटिशियंस। मुझे भी उसी पैमाने से उसी यार्डस्टिक से मेजर करने का प्रयास लोग करते हैं जिससे वो और पॉलिटिशियंस को करते रहे। कहीं जाता है तो वोट की बात करेगा, लेकिन ये बदल रहा है और ये बहुत प्रभावकारी तरीके से बदल रहा है। ये जो नया आगमन आप लोगों ने हम जैसे लोगों को चुन के किया है इससे बहुत बदल रहा है। तो जो मेरी यात्रा राजनीति में रही है कि हमें इसको आध्यात्मिकीकरण करना है, जब तक राजनीति में आध्यात्मिकता नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। आप एक गंदे मन से अच्छे काम कर ही नहीं सकते, अगर मन ही गंदा है तो अच्छा काम कहां से होगा। जब तक मन की सफाई, जब तक मन की प्योरिटी नहीं होगी तब तक अच्छा करना तो छोड़िए अच्छा सोचना भी नहीं हो सकता। फिर वो अच्छा सोचना भी लोग स्वार्थवश ही करेंगे, है ना। तो जो आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज की दुनिया में भी इस तरह के भाव, इस तरह के विचार, इस तरह का प्यार आपको मिलता है, इसी से नहीं बननी है। तो और राजनीति के अंदर जो गुण है वो भी वहाँ के जो राज चलाने वाले हैं उनके अंदर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी होना चाहिए, एक्सप्रेशन पावर भी होना चाहिए, तब क्योंकि हम बाबा के भगवान के बच्चे भगवान से सब कुछ सीखते हैं, क्योंकि बुद्धि तो परमात्मा देने वाले हैं। नए दुनिया के अंदर बाबा ने नेताओं की बात दिखी अभी भी बहुत अच्छा। तो ये बात तो फिर साफ हो गया कि वो पॉलिटिक्स गंदी जगह नहीं है। अगर बाबा भी कह रहे हैं कि नेताओं को बढ़िया होना पड़ेगा इसका मतलब पॉलिटिक्स गंदी जगह नहीं है। तो पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग भी आए, हम लोगों ने हम कारण क्या है कि आप जो स्कूल तो चुनते हो बच्चों के लिए अच्छा स्कूल भेजेंगे, लेकिन अच्छा नेता होना चाहिए हमारा, वोट नहीं चुनते। फिर वो कहते हैं कि फलाने पार्टी को, फलाने पार्टी को, फलाने पार्टी को, ये वो धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, ऐसे ऐसे आधार बना रखे हैं हमने कि अपनी अपना कुआं खुद खोद देते हैं। फिर वो आदमी मिलता नहीं, फिर काम हमारा होता नहीं, फिर वही फिर चुहे के चुहिया वाली हालत बनी रहती है, फिर वही समस्याएं, हर साल वही पॉलिटिकल डिस्कोर्स मिलता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पांच साल में कुछ किया नहीं, फिर वही कर देंगे, वही कर देंगे। अपने मालवीय नगर की हालत देख लीजिए कि वो अभी भी सीवर पानी चल रहा है, 67 साल हो गया सीवर पानी चल रहा है अभी, अभी तक क्षेत्र के लोग सीवर पानी में फंसे हुए हैं, ध्यान कब करेंगे। अगर आपको वास्तविकता में कि जो बाबा का अगर वचन को ढंग से, एज ए पॉलिटिशियन मेरा कंट्रीब्यूशन ये होगा कि आपको ऐसे इन्वायरमेंट मिले, आपको ऐसा व्यवस्था मिले जिसमें कम से कम ध्यान करते वक्त तो सीवर पानी ना आए। ये तो मालूम पड़ा आग बंद किया आपने, सामने आ रहा है कि सीवर बह रहा है, कब तक सीवर बहता रहेगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा दादाजी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा हो कि आदमी को तो
मालूम ही ना पड़े कब सामान ठीक हो गया, कब सीवर ठीक हो गया, कब पानी ठीक हो गया, कब सड़क ठीक हो गया, कब। मेरी तो 10 महीने के अनुभव में ये लगता है कि जनता को ममता बना के छोड़ दिया इन लोगों ने, जनता को उन्होंने ममता बना के छोड़ दिया। 24 घंटे हाथ फैला के कहीं ना कहीं खड़े होते हैं, किसी काउंसलर के आगे, किसी एमएलए के आगे, जबकि मालिक आप हैं, इंप्लॉयर तो आप हैं, आपने मुझे चुना, मैं तो इंप्लॉय हूं। तो इसमें हम सबका, जैसे दादाजी ने कहा कि सबका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट जुडिशियसली, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली, कॉन्शियसली, हैव टू कंट्रीब्यूट, हैव टू बी आउट। आपको घर घर जाके बोलना पड़ेगा कि भाई इस बार सत्य के साथ हूं, सत्य के साथ हूं, सत्य के साथ हूं, कुछ नहीं कहना हो, बी विद ट्रुथ। सी, यू कैन टीच पीपुल एडमिनिस्ट्रेशन, यू कैन टीच पीपुल प्रोसीजर्स, you can teach people other things, but you cannot teach people honesty, you cannot teach people integrity, you cannot teach people purity. ये सब तो एक प्योर होगा तो दूसरे के ऊपर असर तो पड़ता है ना। तो ये सब जो जो ईमानदारी है, we have to be with them, वो जरूरी। और मेरा तो बड़ा गहरा अनुभव आपके, मतलब ऐसा मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा कि पूरे का पूरा विश्वविद्यालय ही बना हुआ है गुड गवर्नेंस, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर। गजब है। तो मैं तो दो तीन हो गया मेरा कैंप्स, तो तीन कैंप्स हो गए, उसमें जो जो कुछ भी यहां से जो ऊर्जा निकल रही है, इस ऊर्जा का प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। कभी कभी तो मालूम ही नहीं पड़ता कहां कहां प्रभाव पहुंच गया। गिफ्टिंग समबडी विद सम आर्टिकल्स, किसी को अच्छा कपड़ा दे दो, उससे उसका जीवन बदलने वाला नहीं है, लेकिन किसी को अच्छा विचार दे दो, उसका जीवन बदल जाएगा। तो यहां का जो अभूतपूर्व काम हो रहा है, मैं तो बहुत प्रभावित हूं इससे। और ये बिल्कुल, ये हाथ करो और ये हाथ पाओ, या ये भी नहीं कि भाई आप ये अभी करो तो अगले जन्म में मिलेगा, या कोई ऊपर स्वर्ग है वहां पे अच्छी अच्छी बातें होंगी ऊपर। अभी करो और अभी पाओ, अभी एक्सपेरिमेंट्स करो और अभी मन की शांति पालो, और रोज रोज का डोज जिस तरह से चलता है यहाँ, वो बहुत जरूरी है। मुझे तो बहुत, मैं तो आप सबका बहुत अनुग्रहित हूँ कि आप अब मुझे पॉलिटिकल लाइफ, हम मैंने अभी बहन बाहर कोई कह रही थी, मैंने कहा जी आपने मुझे दायित्व एक और दिया हुआ है, तो उस दायित्व को पूरा करने में भी बहुत समय लग जाता है। मॉर्निंग 6 to 9 2 काम करता हूं, बहुत काम है, काम करने को तो बहुत काम है, और जितने आपसे पूछ ले उतना अच्छा है। I'll give one example. अभी 1 week पहले एक माता मेरे ऑफिस में है। मैं आपको बताता हूं आध्यात्मिक अनुभव कैसे होता है राजनीति के जरिए। तो आए, वो चेयर पे बैठा था, मुझे पकड़ के खूब रोई। अब इतना रोया कि मुझे रुला दिया। फिर मैंने उनको पूछा कि आपको तकलीफ क्या है। उन्होंने कहा कि जी 7 साल से मेरी दुकान सील की हुई है एमसी ने, और इसके कारण मेरे हस्बैंड के दिमाग में खराब हो गया, बिजनेस ही नहीं है तो काम ही नहीं है। और जब मैं जाता हूं तो एक नेता लोकल कहता है कि 2 लाख रुपए लगेगा खोलने का। मैं कहां से दूं? मैंने कहा सवाल ये नहीं कहां से दूं, सवाल ये क्यों दूं, हो भी क्यों दू, जो आपका हक है, हक को लेने के लिए पैसे दो, क्यों दू पैसे तुम्हें? तो मैंने जी ये, चूंकि आध्यात्मिक जिंदगी पहले थोड़ी रही है, तो मैंने फोन उठाया कमिश्नर को, बोला कि कमिश्नर से पूछा भाई तुम हिंदू हो, मंदिर जाते हो गे? दादी प्रणाम, ओम शांति। तो उसने कहा जी हाँ हिंदू। मैंने कहा भाई अगर आप हिंदू हो तो कई बरस तुम जाओगे अगर मंदिर, तो जो पुण्य मिलेगा आपको मंदिर जाने का कई बरस। दादी कई बरस, कई बरस अगर आप हिंदू हो तो मंदिर जाओगे तो जो फायदा मिलेगा, मैं एक काम दे रहा हूं आपको, जो पुण्य मिलेगा कई बार जाने से मंदिर में।
तो बोला क्या जी, मैंने कहा एक आपको टास्क दे रहा हूं, 7 साल से माता का दुकान बंद है, सील पड़ा है, उसको आप खोल दो। बस मैं गया जी, उनको गाड़ी में बैठा के लेके गया साथ में, और एक सप्ताह के अंदर गया, उनका दुकान खुल गया। और जो दुकान खुलने से जो उनके चेहरे पे मुझे जो अनुभव हुआ, वो परमात्मा के दर्शन थे। जो खुशी झलकी उनके चेहरे पे, माता के चेहरे पे जो खुशी झलकी, वो लगा कि मुझे साक्षात परमात्मा के दर्शन हुए। तो राजनीतिक तरीके से अध्यात्मिक का बहुत गहरा अनुभव हो सकता है, अगर आप राजनीति को सेवा का माध्यम बनाओ। तो राजनीति दो माध्यम बन सकती है, पैसे का माध्यम और सेवा का माध्यम। पैसा तो एक टूल है, आपके यहां भी बहुत बार बार सिखाया जाता है कि पैसा तो एक टूल है, इट्स अ वेरी यूजफुल टूल, बट ये टूल ही है कि इसको आप ध्येय मत मान ले, इसको अंत मत मान ले। कुछ काम बगैर पैसे के नहीं हो सकते, लेकिन किसी ने पैसे को ही अंतोगत्वा मान लिया कि सब कुछ यही है, तब तो आप नरक के द्वार को जारी कर रहे हो। साधन को साधना मान लिया। धन और ध्यान में कोई दुश्मनी नहीं है, अगर धन से समझे तो, अगर धन को ध्यान के लिए यूज करें तो ठीक है, लेकिन धन ध्यान के कॉस्ट पे नहीं आना चाहिए। ध्यान सर्वोपरि है, वो बहुत जरूरी है। तो आप तो रोज, मैं तो इतना सौभाग्यशाली नहीं हूं कि यहां यहां पे मुझे रोज आने का मौका मिले, लेकिन जब जब मुझे मौका मिले, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बहुत ही गहरा जो प्रयोग चल रहा है उसके आप लोग खूब आनंद ले रहे हैं, और मैं तो देखता हूं कि यहाँ पे एक एक आदमी जो आता है, एक बहन जो आती है, सबके चेहरे पे खूब खुशी होती है, और ये खुशी धन की नहीं है, ध्यान की है। और ध्यान के जरिए जो खुशी आती है उसका उसको कुछ छीन नहीं सकता। धन के जरिए जो खुशी आती है वो कुछ छीन सकता है, छीन लेगा, धन छीना, ध्यान खुशी गई, लेकिन ध्यान को छीन नहीं सकता। इसको बांट भले सकते हो, आपको देखे कुछ दूसरा खुशी हो जाएगा कि बहन कहाँ जाती है, भाई साहब कहाँ जाते हैं आप, तो वो आपके पीछे पीछे यहां पहुंच सकता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इतना खुश कैसे है। जब मुझे इन लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, जब मेरे वो विधानसभा के अंदर है ना, वो जब सारा तांडव किया इन लोगों ने मेरे खिलाफ खिड़की वाले कांड के ऊपर, तो वो भाजपा के लोग कहने लगे देखो फिर भी हंस रहा है, फिर भी हंस रहा है, वो गाली भी दें, लिपस्टिक फेंक दिया मेरे ऊपर, चूड़ियां फेंक दी मेरे ऊपर, उनको लगा कि महिलाएं, मतलब मेरे को चूड़ियां फेंक करके समझा, भाजपा के लोगों ने समझा कि भाई चूड़ियां फेंक दो इसके ऊपर, तो इसको महिला का दर्जा मिल गया, उसे इसका इसका अपमान हो गया, उनके नजर में महिला नीची है। मैंने कहा कि किसी दिन महिला में सोन में आ गया, नहीं बात तुम कह के रहे हो तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। वो ये अभी भी समाज में कुरीतियां हैं, इसको समझना पड़ेगा। समाज में अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत बड़ी कुरीति चल रही है, कितना भी डेवलप हो जाए कि जी महिलाएं नीचे हैं पुरुष से, वो गलत है। इनफैक्ट महिलाएं ना हो तो जीवन में कोई रंग ही ना हो, जितनी शांति है महिलाओं का कारण है। मैं तो कहता हूं अगर दुनिया के शासन सब महिलाओं के हाथ में आए तो सब कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होगा, कोई आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आर्मी घोड़ा दो, बिकॉज व्हाट आई अंडरस्टैंड, वुमन का मतलब है हार्ट ओरिएंटेड, हृदय। तो जितनी भी, इसलिए कहते हैं ना कि परमात्मा के पास वुमन का पहुंचना ज्यादा आसान है आदमियों को, क्योंकि आदमी को पहले फीमेल ओरिएंटेशन करना पड़ता है, हार्ट तक पहुंचना पड़ता है, माइंड से हार्ट की यात्रा बड़ी दूर की यात्रा है। इसलिए परमात्मा जब आते हैं, ब्रह्मा के तन में जब आते हैं, इसलिए आते ही सब माताओं को वंदे मातरम। और आज भी बाबा के वर्षन जो हम पढ़ते हैं उसमें लास्ट में मैं बताती हूँ कैसे वर्षन से बाबा के, बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों के मात पिता, वो हमारा मात पिता भी है और बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप की नमस्कार। और फिर कई बार साकार में जब बाबा थे, हम बहुत समय उसके साथ रहे,
तो बाबा जब जाते थे अपना हॉल से निकलते थे तो फिर मुड़कर आते थे, अच्छा वंदे मातरम, बाबा बिल्कुल झुक जाते थे और फिर वापस जाके फिर आते थे, अच्छा मैंने माताओं को तो वंदे किया पर भाइयों को कुछ नहीं किया, तो फिर कहते थे अच्छा वंदे पुत्रम। मतलब हर एक को बाबा खुश करते, तो जैसे भाई साहब ने कहा ध्यान और धन, ठीक है कमाना है वो भी, लेकिन ध्यान को भी जमा करना है। हम जब मालवीय नगर में आए थे हमारे पी ब्लॉक के अंदर, वहां हमारे पास जो मकान था 100 रुपया उसकी किराए और भाई साहब के 200 रुपए ही, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में थे उस समय, 200 रुपए ही तनख्वाह थी, तो 100 हम लोग देते थे और 100 रखते थे, बाबा का कार्य भी चलाते और अपने को भी चलाते। हमारे रजौरी गार्डन में एक मेजर वर्मा ने थे, मेजर थे, उनका हम लोगों के साथ बहुत प्यार था, तो अपना सारा घर वो हमें दिखाते और एक कमरा जिसमें वो योग करता था और वो कहता था जितने भी यहाँ पर महात्मा लोग आते हैं मैं उनको अपने घर में जरूर ले आता। तो अब तो बाबा है, बाबा को मुझे घर में जरूर लाना है, स्वयं भगवान जो महात्माओं का भी पिता है। तो कई बार वो हमारे पास मालवीय नगर में आते, उस समय हम आपको बतला ही कि रियली हमारे पास इतना कुछ नहीं, एक पलंग था और दो दरिया थी, थोड़ा बिस्तर था, थोड़े से बर्तन थे, लेकिन हम इतने नशे में रहते थे, हमारे पास बाबा है बहुत कुछ। तो वो जब हमारे पास आता था कई बार आके सुंदरबेन आपके पास कुछ नहीं, मैंने कहा अरे मेरे पास बाबा है, भगवान बाबा जिसके पास है उसको और क्या चाहिए। तो वो शांत हो जाता। प्रैक्टिकल देखा जाए हम ये मानते हैं कि संतुष्टता सबसे बड़ी चीज, चाहे हमारे पास जो कुछ भी है थोड़ा है ज्यादा है वो हमारे कर्म अनुसार बिल्कुल ठीक है, हम उसको भी बहुत समझ के अगर चलाते हैं तो बहुत ही हो जाता है, बरकत है। तो उस संतुष्टि ने हम सब जगह सेवा करते, मालवीय नगर के मंदिरों में हर घर में कई आत्माएं सतमुच जागृत हो गई। मंदिर वाले थोड़े डरते थे, अरे ये ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमारी कुछ कर तो रहे नहीं है, ज्ञान ही तो सुना रहे, वो ज्ञान उनको अच्छा नहीं क्योंकि हम बुराइयों से छुड़ाते। तो इस तरह से करते हुए आप देखिए बाबा ने हमें धीरे धीरे, हम निस्वार्थ सेवा, हमें सेवा करते बाबा का संदेश देना है। और वो उसने मेजर ने बाबा को अपने पास बुलाया, दिल्ली कैंप में उसकी बड़ी कोठी थी और वो 3 मास बाबा वहां रहे, हम लोग रोज यहाँ से जाते। 3 मास में आप देखिए उसने सारे मिलिट्री वालों को बाबा के सामने लाया, उनको संदेश दिलाया, बहुत आत्माओं की सेवा। ड्रामा चल रहा है, ये चैतन्य ड्रामा चल रहा है। इस बीच में उसको रात को कई बार फोन आ जाता, मेजर था तो उसको उठाना पड़ता था, उसको थोड़ा सा हार्ट का, तो एक बार उठाया उसने बात कर ली, फिर बीच में उन्हीं दिनों में उसको दोबारा अपनी ड्यूटी से फोन आई तो रात के 1 बजा था, कैसे उसको उठाए, लेकिन उठाना पड़ा, वो कहते उठाओ, तो उसको उठाया, तो आके फोन में बात कर, बात करते करते उसको झटका आया, और उसने फोन तो रख दी पर वो कर रहे थे। तो आप देखिए उसका भाग्य, वो आत्मा लास्ट उसका हाथ का बहुत तेज झटका आया और
उसने कहा बाबा मुझे बचाओ बाबा। लेकिन जिस आत्मा की जो आयु है भगवान भी नहीं उसने टकर नहीं। बाबा ने उसको अपनी गोदी में सुलाया, बहुत आराम से हाथ फेरा, लेकिन वो आत्मा ओम शांति हो गई। और उसी टाइम सारी मिलिट्री वहां पहुंच गई और सब। आप देखिए भाग्य भी कितना बड़ा। तो किस प्रकार से बाबा हम बच्चों को हर हाल में संतुष्ट। एक भाई हमारे पास आया, वो कहता है बहन जी आप पास दड़ी नहीं ना, चलो मैं आपको लेके देता। प्रैक्टिकल कहानी है, लेकिन हमें ये पता था कि ये करने वाला कुछ नहीं। हमने फिर भी 50 रुपए लिए और उनके साथ के दड़ी हमें कमरे जितनी मिल गई। कहा बहन जी इसको 50 रुपए दे दे। हमने नहीं, इसने नहीं बोला। तो ऐसी आत्माएं भी यहाँ आती हैं हर टाइप के, लेकिन हमें धन के इच्छा से उसको नहीं उनको बोलना है, हमें उनको भगवान का संदेश स्नेह देना है, उनको हर प्रकार से बाबा की साथ कनेक्शन जोड़ना है। हम इसलिए यहाँ बैठे। तो बाबा ने धीरे धीरे ऑटोमेटिकली, हम किसी से कुछ नहीं मांग बोलते थे, सिर्फ सेवक। मंगल को मंदिरों में जाते थे, सत्संग होते थे, और वीरवार को हमारे यहाँ भोग लगता, हम उन सबको बुला आप लोग आए। ऐसे करते करते आत्माओं का डर भी निकलता गया। ब्रह्मा कुमारी भी ज्ञान ही दे रहे, बाकी धारणा जो आपको करनी है करो। जो बाबा कहता है मेरे बच्चे होंगे वो चल पड़ेंगे, जो नहीं होंगे वो वापिस चले जाएंगे। तो इस तरह से हमें 50 साल से ऊपर हो, 62 में हम यहाँ आए और 52 में हमने यहाँ पर वो गोल्डन जुबली यहाँ की मनाई। कितने आप देखो एयरफोर्स के बड़े बड़े ऑफिसर्स आते थे, उन्होंने बहुत सेवाएं करी। उनकी जो मिसेस थी, माताएं थी, उन्होंने भी बहुत सेवा करी। कोई भी प्रोग्राम होता था, जब वो तैयार हो जाती थी आज ये बनाना है, जब हम बना देंगे बहन जी आप निश्चिंत। तो ऐसे करते हुए हमने देखा कितनी आत्माओं ने यहाँ से अपनी लाइफ बनाई, और जिसको जो भाग्य में था वो बाबा से और अब तक भी देखो। और कैसे धीरे धीरे भाई साहब की सर्विस चेंज हो गई, मिनिस्ट्री से कंपनी में चले गए, और जैसे ही कंपनी में गए उस समय ये 1 लाख में मकान बिक रहा। कंपनी वालों ने लोन ले लिया, हमें मकान 5 साल हम पंचशील में रहे। पंचशील में एक भाई ने कहा हमने मकान बनाया, बहन जी मैं गांव जा रहा हूँ आप इस